हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो आप हम नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करांगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैगे ने, बिकॉज आप मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट काफ़ी कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज कर चुके हैं, ठीक है, रैंक, आइगन वैल्यूज, बहुत सब कुछ, मतलब रैंक के भी आप बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व किए, आइगन वैल्यू के भी किए हैं। हुण कुछ होर हैगे ने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जिन्हों आप कवर करांगे, बिकॉज आप जिन्हें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करांगे उन्ना कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होंगी जाएगी, बिकॉज मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट विच प्रॉपर्टीज बहुत सारिया है ने, जो तुम उन्होंने अपलाई नहीं करोगे बार बार तो वो तुम्हें जो है क्लैरिटी नहीं उन्होंने होएगी। जिन्ना अपलाई करोगे थ्रू एमसीक्यूज उन्नी तुम उन्होंने कॉन्सैप्ट की क्लैरिटी होंगी जाएगी, ठीक है। सो शुरू करते हैं जी। फर्स्ट एमसीक्यू इज़, इफ ईच एलीमेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज ट्रिपल्ड एंड ईच एलीमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम इज ट्रिपल्ड, दैन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड। ओके, सो जे तुसी इस क्वेश्चन नूं ध्यान देखो बोल रहे हैं, ईच एलीमेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, थर्ड ऑर्डर है, मतलब 3x3 का है। ओके, बोलता हर एलीमेंट जिहड़ा आ वो किया गया ट्रिपल्ड, यानी ट्रिपल्ड यानी कि 3 ना मल्टीप्लाई किया गया, क्लीयर। ट्रिपल्ड मतलब 3 गुणा, दैट मीनस एक स्केलर 3 ना सारे अंदर मल्टीप्लाई होया पाया, ठीक है। एंड ईच एलीमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम भी ट्रिपल्ड किया गया, ठीक है। फिर जो फर्स्ट है उन्होंने भी ट्रिपल्ड किया गया, ठीक है। एक तो 3 है सारे चो, मतलब सारे इन्हों तिना तिना ट्रिपल्ड किया गया, यानी कि 3 times ये, तो एक बारी फर्स्ट न ट्रिपल्ड किया गया तो कि गया 3 3 का 9 9 3 का 27, 27 into 3 इज 81। सो आंसर कि आ जाएगा 81, क्लीयर है। जो तुम इदा भी नहीं, तुम एक गल पता, जो कोई कॉमन स्केलर हो जिदा 3a है ना, तो 3 की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ए हो जाता ना, 3 की पावर n मतलब कितना होएगा, 3 की पावर n कि पावर 3 यानी 27 ए आ गया, जो एक 3 अंदर सारे ना मल्टीप्लाई किया गया। एक बार वो बोलता फर्स्ट जिहड़ा फर्स्ट कॉलम की गल की वो भी ट्रिपल्ड किया गया, तो उस भी 3 कॉमन निकल जाएगा, फिर 27 into 3 कि हो जाएगा 81। सो आई होप तुम्हें क्लीयर हो गया होगा कि आंसर किदा 81 है, इदा भी क्वेश्चन आ जाते हैं। वैन एवरी एलीमेंट ऑफ nth ऑर्डर डिटरमिनेंट, जो डिटरमिनेंट है डेल्टा, इज मल्टीप्लाई बाय अ नंबर के, जिदा ये भी सगा ना थर्ड ऑर्डर से, इतने ऑर्डर की जगह nth ऑर्डर आ, उन्होंने मल्टीप्लाई उन्होंने ट्रिपल किया गया, यानी 3 ना मल्टीप्लाई किया गया ना, किसी ने इतने लिया नंबर के ना मल्टीप्लाई किया, तो मैं तुम्हें दस्या हूँ ही फॉर्मूला की होंगे, उस जिन्ना मल्टीप्लाई किया गया वो पावर ऑर्डर नाल डिटरमिनेंट ए एज इट इज़ रहा है, यही आपां कीता ना। सो इहदा आंसर की आ जाएगा, के दी पावर ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए किन्ना सी इत्थे लिया उन्होंने डेल्टा। इहदे विच भी इदी सीगा, पहला आपां की कीता सी किन्ने नाल मल्टीप्लाई किया गया 3, ऑर्डर किन्ना सी 3 नाल डिटरमिनेंट एज इट इज़, बट फिर बाद एक कॉलम में भी 3 ना मल्टीप्लाई किया गया, सिर्फ एक कॉलम में, सो एक 3 बार आ गया, सारे उन्हें ना मल्टीप्लाई किया गया। जो सारे मल्टीप्लाई किया गया तो फॉर्मूला सानू पता कि होंदा, के दी पावर एन नाल डिटरमिनेंट, यानी जिस भी स्केलर नाल मल्टीप्लाई किया गया वो पावर एन हो जाता, जो भी ऑर्डर हैगा उसका, ठीक है। सो 77 का ऑप्शन नंबर की हो जाएगा डी। नैक्सट क्वेश्चन दे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन है, ए तो दिता हुआ, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू लैमडा इंटू दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो तुम्हें याद हो, एक फॉर्मूला होंगे ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन, याद है मैं करवाई हुए फॉर्मूले, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, हूँ ए भावें इधर साइड लिख दो या दूसरे पास लिख दो कोई फर्क नहीं पैंदा, इक्वल टू हुंदा डिटरमिनेंट नाल की हुंदा आई एन। देखो यदा मतलब आ जी लैमडा की वैल्यू दी वो कि डिटरमिनेंट आ, ठीक है ना, नाल आई एन, यानी कि उन्हें लिखने का तरीका देखो, क्योंकि असं फॉर्मूला करके आए हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू की हुंदा साडे कोल डिटरमिनेंट ऑफ ए नाल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। हम थोड़ा यानी कि लैमडा की है, उन्हें इस जगह लैमडा लिखता, यानी लैमडा की है डिटरमिनेंट, क्योंकि नाल आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस ऑर्डर दी हुई है, यानी कि असं इतना की फाइंड आउट करना सी, डिटरमिनेंट कॉस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता 1। सो ऑप्शन नंबर बी आ गया 1, क्लीयर। सो तुहानू उत्थे ना कई वारी प्रॉपर्टीज जिहड़ियां उन्होंने बहुत ध्यान नाल अपलाई करना पएगा, क्लीयर। नैक्सट है, इफ ए इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, ए मैट्रिक्स है जो ऑर्डर है एम क्रॉस एन, दैन रैंक ऑफ ए कि वो एम के बराबर होंगे, एन के बराबर होंगे, या लैस दैन इक्वल टू एम एन होंगे, या ग्रेटर दैन इक्वल टू एम एन होंगे। मैं तुम्हें दस्या सी, या तो रैंक उस ऑर्डर के बराबर होएगा या उस तो की होएगा छोटा होएगा, सो कहेगा लैस दैन मिनिमम ऑफ एम एंड एन। सो ये आप करके आए हैं, ठीक है ना। सो ये मैं तुम्हें करवाई भी हुई है, तो आई ए वाली देखो ये भी कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज हुई है, ठीक है। ए इंटू डिजॉइंट होंगे इक्वल टू डिटरमिनेंट इंटू आई एन, आई एन बनया से डिटरमिनेंट की आप वैल्यू फाइंड आउट कर ली, उही साडे को लैमडा की वैल्यू आ गई। तो ये उन्हें कहा कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर एम क्रॉस एन है, तो रैंक ऑफ ए
वो की होएगा, तो आप करके आए रैंक ऑफ ए जो लैस दैन इक्वल टू हमेशा होंगे मिनिमम ऑफ एम या एन। क्लीयर, नैक्सट क्वेश्चन से मूव ऑन कर दिया। सो ये आंसर तुम्हें क्लियर होगा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। नैक्सट डेल्टा दिता सानू, यानी कि ठीक है, इनू डेल्टा लिया, दैन वैल्यू ऑफ यदी कितनी वैल्यू होगी। तो इतने थोड़ा जहा ना इनू दिमाग लगा के कोशिश करें देखना कि होया, मतलब यदा मतलब ये तो कोई ना कोई रिलेशन बनता होना, ठीक है ना। जे ध्यान ना देखो, ये पहली रो नू सारे नू किन्ना मल्टीप्लाई किया, फोर ना, वन फोर द फोर, थ्री फोर द ट्वेल्व, वन फोर द फोर, यानी पहला फोर ना मल्टीप्लाई हुई, यानी फोर असी बाहर कॉमन कर लिया। दूसरी बार देखो टू फोर द एट, माइनस वन फोर ना की थी, फिर फोर वो भी बाहर कर लो इको फोर, ठीक है ना। फिर अगे देखो जीरो द जीरो, फोर फोर द सिक्सटीन, फोर टू द एट। क्लियर, यानी कि एक इदा का स्केलर अंदर मल्टीप्लाई हुआ सारा ना, वो कि फोर, यानी कि जोड़ा भी तेजे को डेल्टा है, दिस इज़ द गिवन डेल्टा, यानी इन्हें सारे अंदर फोर मल्टीप्लाई होया ना, फोर, तो तुम्हें पता की होंगे फोर की पावर एन, ठीक है, नाल की आ जाएगा डिटरमीनेंट एज इट इज़ जो डेल्टा है तेजे को। क्लियर, फोर की पावर एन, एन की होंगे ऑर्डर किन्नी दी है, थ्री क्रॉस थ्री की, तो फोर की पावर थ्री कि होएगा सिक्सटी फोर। क्लीयर, कि आ जाएगा सिक्सटी फोर। सो जो इदा भी नहीं तो उदा भी देखो, पहला भी फोर ना मल्टीप्लाई होया, एक फोर बाहर निकालो, फिर फोर ना मल्टीप्लाई होया, फोर बाहर निकालो, फिर तो फोर, फोर फोर द सिक्सटीन, सिक्सटीन इंटू फोर सिक्सटी फोर। सो आंसर आ जाएगा सिक्सटी फोर डेल्टा। क्लीयर, ये भी तुम्हें आने चाहिए। नैक्सट देखो ये की किया हो, पहला टू है, थ्री फोर, दैन टू स्केयर, थ्री स्केयर, पहला तो उन्हें की किया हो, सारे चो देखो की कॉमन निकलिया हो, टू कॉमन निकलिया होया, ठीक है। फिर सारे चो जो इधर गए हैं तो की कॉमन निकल गया थ्री, फिर कि निकल गया फोर, फोर टू द एट, एट थ्री द ट्वेंटी फोर। सो आंसर कि आ जाएगा इतने साढ़े को ट्वेंटी फोर डेल्टा। क्लीयर, सो मतलब जो तुम इदा के सामने आ जाते ना, वो की करना हों, जस्ट इतों इतने रिलेशन बनाने की कोशिश करनी है कि देखना की होया, बस वो कॉमन कढ़ी जाओ। जिदा पहले च तीन बारी फोर ना मल्टीप्लाई हो, तीन फोर तुम बाहर निकाल लेने, ठीक है, तो साढ़े को किन्ना आ जाना, वो अकॉर्डिंग आंसर आ जाना, ठीक है ईजी है, कुछ भी औखा नहीं है, बस तुम उत्थे देखने की कोशिश करनी चाहिए। सारे चो टू कॉमन कटे, टू कॉमन कल, इतने वन बच गया, इतने टू बच गया, इतने टू की स्केयर बच गया, इतने क्यूब क्यूब से ना, इस करके। सो आई होप तुम्हें यह क्लीयर हो गया होगा, ठीक है, ईजी हैगा। नैक्सट देखो क्वेश्चन, इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। देखो नंबर ऑफ अननोनस के बराबर, मैं तुम्हें रैंक वाला कराया, इतने कैपिटल ए कर लियो, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। याद है तुम्हें सोल्यूशनस वाले आप मैं रैंक के थ्रू दसिया कि होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, एक मैं वीडियो तुम्हें ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो जे यही नंबर ऑफ अननोनस इक्वली हो सिस्टम आप कहने, याद हो सिस्टम की कहने, पहली गल तो कंसिस्टेंट आ, क्यों, क्योंकि रैंक बराबर आ। दूसरा नंबर ऑफ अननोनस के जो बराबर होंगे कि सोल्यूशन होंगे यूनीक सोल्यूशन। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ दैट राइट आंसर। क्लीयर, बहुत ईजी है, मैं तुम्हें करवा चुकी हूँ सारे, ये तुम्हारी हम जस्ट प्रैक्टिस है। एवरी होमोजीनियस सिस्टम, जोड़ा भी होमोजीनियस सिस्टम हों कि हमेशा कंसिस्टेंस हों, फिर ओनली ट्राइवल सोल्यूशन होंगे, या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, या नीड नॉट टू बी कंसिस्टेंट। जिहड़ा होमोजीनियस सोल्यूशन हुंदा वह हमेशा की हुंदा आ, कंसिस्टेंट हुंदा, याद रखना। ऑप्शन नंबर वन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर, सो इन दोनों में आप सीखा, एक तो यह वाली चीज़, यदा मतलब तुम इतने सारे रिलेशन देख लेने कि रैंक बराबर हो, नंबर ऑफ अननोन तो घट हो, ज़्यादा हो, होंगे, ठीक है। सो यह ऑप्शन नंबर की सगा, सॉरी बी सगा, ठीक है, यदा ऑप्शन नंबर की हैगा ए। नैक्सट क्वेश्चन देख रहे हैं जी, जे रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। हूँ देखो बराबर नहीं है रैंक, इस दे विच की कह रहा, रैंक बराबर नहीं है तो सिस्टम की होंगे, जो रैंक बराबर नहीं है तो सिस्टम की होएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। देखो इतने तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी ना सारे की, ठीक है, उन्होंने याद कर लो तुम चंगी तरह, फिर अटैम्प्ट करो एज अ टेस्ट बैटर है। सो ये की हो गया इनकंसिस्टेंट। क्लीयर, नैक्सट एम सी क्यूज से चलते हैं। इफ द न सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन, तीन लीनियर इक्वेशन की गल की है, तीन ही अननोन है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, रैंक बराबर है, तो इक्वल टू टू, हूँ देखो इक्वल टू टू दसिया होया, दैन द सिस्टम, हूँ ये देखो की होएगा, या तो यूनीक सोल्यूशन होएगा, या रिड्यूस टू टू एंड इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, या रिड्यूस टू अ सिंगल इक्वेशन एंड इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट। देखो वो दस चुकिया कि रैंक जोड़ा वो रिड्यूस होकर टू है, बराबर जरूर है रैंक,
ਹੈਗੇ ਆ, ਰੈਂਕ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਬਟ ਅਨਨੋਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 3, ਬਟ ਰੈਂਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 2, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਨੋਨਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅਨਨੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਰੈਂਕ ਆ, ਰੈਂਕ 2 ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ 2 ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੈਂਕ ਉਨਾ ਹੀ ਬਚਦਾ ਨਾ, ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਲਮਸ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਚੀਆਂ, ਇਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖੋ, ਕ੍ਰੈਮਮ ਰੂਲ। ਕ੍ਰੈਮਮ ਰੂਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਸੋਲਵਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕ੍ਰੈਮਰ ਰੂਲ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਟੂ ਸੋਲਵ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸਵਿਸ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਗੈਬਰੀਅਲ ਕ੍ਰੈਮਰ ਜੋ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈਗੇ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਸਿੰਪਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, D1 ਅਪੋਨ T, ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕਸ ਟੂ D2 ਅਪੋਨ D, ਐਂਡ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਦਾ D1 D2। ਸੋ D ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਲੈਣੇ, A1 V1 A2 B2, ਬਟ ਜੇ D1 ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ, D1 ਜਿਹੜਾ D1 ਹੈ ਨਾ, ਸੋ 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਜੇ D2 ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲਿਖ ਦੇਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ A1 A2 ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆ, ਦੇਖੋ D2, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਦੈਟ D ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਕਿ D 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਜੇ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੇਮ, ਐਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਹੋਣਾ, D1 ਅਪੋਨ D, ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕਸ ਟੂ D2 ਅਪੋਨ D, ਜ਼ੈਡ ਇਜ਼ ਇਕਸ ਟੂ D3 ਅਪੋਨ D। ਪੇਪਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਛੋਟਾ ਸਮ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਸਿੰਪਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ D ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, D1 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, D1 ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ D1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਆ ਜਾਣੇ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਬਾਕੀ ਉੱਧਰ ਰਹੇਗਾ। D2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਣੇ ਜਦੋਂ D3 ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, D3 ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਣੇ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਇਹ D ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, D ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ, ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਾਹਮਣਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਬਾਈ ਦਾ ਕ੍ਰੈਮਮ ਰੂਲ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਐਕਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ D1 ਅਪੋਨ D, ਵਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ D2 ਅਪੋਨ D, ਜ਼ੈਡ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ D3 ਅਪੋਨ D। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁੱਛ ਲਓ D1 ਕੀ ਆ, 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ D1 ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਛੱਡਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਰਨਲ ਜੋ ਵੀ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣੀਆਂ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਇੱਕ ਸਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕ੍ਰੈਮਰ ਰੂਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮਮ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਮਮ ਰੂਲ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਬਟ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੈਮਮ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਛ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ D1 ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ D2 ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ D1 ਅਤੇ D2 ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ D ਉਹ ਇਹ ਲਈ D ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕ੍ਰੈਮਮ ਰੂਲ। ਤੋ D ਕੀ ਆਏਗਾ, ਜਸਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ, D1 ਕੀ ਆ, ਬਸ D1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਆ ਜਾਣੇ, D2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਆਉਣੇ, ਅਤੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੋਰ ਦਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੋਨ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਅਤੇ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਲੈਸੀ ਬਾਈ ਦੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਕ੍ਰੈਮਮ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੋਨ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਸਿਸਟਮ। The following case arise while solving linear equation in two or three variable. ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੈ ਕਿ D0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ D0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਫੋਰ ਅ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਨ ਕੇਸ D ਆ ਗਿਆ 0, ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ D1, D2 ਜਾਂ D3 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੋਨ 0 ਹੋਏਗਾ। ਦੈਨ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ D ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤੀਸਰਾ ਕੇਸ ਅਗੇਨ D ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 0। ਦੈਨ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਵਿਦ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ। ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ D ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਦਾ ਟ੍ਰਾਈਵਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਜੇ D 0 ਆ ਫਿਰ ਨੋਨ ਟ੍ਰਾਈਵਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ P ਫੋਰ ਸਿਸਟਮ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਣ ਲਈ P ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਦਾਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਣ ਲਈ, ਬਸ ਉਹੀ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਲੀਅਰ।
नैक्सट यदि एक सिस्टम से ऑफ लीनियर इक्वेशन दिता सी हैव द नॉन ट्राइबल सोल्यूशन नॉन ट्राइबल सोल्यूशन है ने दैन ए बी सी आर ओली तुम डिटरमीनेंट इक्वल टू जीरो रख लेना ठीक है उतो साढ़े को कंडीशन बन गई हूँ ये देखो कि होंगे तुम्हें पता ए बी सी यानी कि सेंटर वाला जड़ा मतलब कि इन्हों दोनों का रेसीप्रोकल का अर्थमैटिक मीन दे कोल आवे गबले वाला थानू पता हो कि होंगे एच पी होंगे एक कंडीशन की असी एच पी की ए पी की जी पी की सारिया कंडीशन करके आए हैं ना तो उही है सो एच पी चाहे नैक्सट हैगा आ कि एक मैट्रिक्स आ ए दिती हुई है वो पूछा इन्हें यूनिटरी मैट्रिक्स आ ऑर्थोगनल आ निलपोटेंट आ या इनवोलेंटरी आ ठीक है सो उहदे लई की करोगे सब तो पहला तुसीं की करना इहदी इहना मल्टीप्लाई करके देखनी ठीक है इहदी ही यानी ए दी ही इहना मल्टीप्लाई करके देखनी ए स्केयर ठीक है तुसीं उह करके देखो तो मैनूं दस्सिओ तुसीं इह दस्सिओ मैनूं कमेंट बॉक्स यूनिटरी आंदा ऑर्थोगनल आंदा निलपोटेंट आंदा या इनवोलेंटरी सारे दे कंडीशनस मैं तुहानूं दस्सियां होईआं क्लियर फिर मैं तुहानूं उत्थे दस दवांगी तुहाडा राइट आंसर किहड़ा हैगा ठीक है कि नहीं हैगा नैक्सट देखो ए ते बी आर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर दैन ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज ये की होंगी है स्क्यू सिमेट्रिक होंगी है नल मैट्रिक्स आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ या यूनिट मैट्रिक्स आ ए साढ़े कोल होंगी है यस तुहानू पता वे जिहदे च माइनस आंदा कि होंगी आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर नैक्सट है इफ ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री दैन ए क्यूब की होएगा हुण तुहानू पता है ऑर्डर की है इत्थे ऑड उहदे अकॉर्डिंग की होएगी स्क्यू सिमेट्रिक होएगी या सिमेट्रिक होएगी दैन अगेन ए तुहाडे कोल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहनी आ क्यों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहनी आ क्योंकि ये साढ़े कोल ऑर्डर की आ ऑड आ स्क्यू सिमेट्रिक विद ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होंदियां क्लीयर सो इन्हां दोनों का आंसर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा नैक्सट है ए तुहानू एक स्केयर मैट्रिक्स दित्ती है सच दैट ए स्केयर इक्वल टू ए आ रहा हुण देखो एक कंडीशन यूज होनी दैन ए प्लस आई का क्यूब देखो ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लैना कि होंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए इंटू ए प्लस बी ये फॉर्मूला लगा दोगे सो ए क्यूब नूं की लिख सकते तुसीं ए स्केयर इंटू ए क्यूब नूं की लिख सकते हैं ए स्केयर इंटू ए तो ए स्केयर नूं की पुट कर दोगे अगेन ए ही पुट कर दोगे क्लीयर तो इतने की बन जाएगा तुहाडे कोल ए स्केयर ही बन जाएगा आई क्यूब आई ही रहेगा इन अंदर ला जाओ थ्री ए स्केयर की पुट कर देना बाद ए थ्री आई इंटू आई रहेगा मैं तुम्हें दिखाई दें सॉल्व देखो है सारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी सो आई क्यूब तो आई रह गया ए क्यूब ने मुके लिख लिया ए स्केयर इंटू ए थ्री आई इन थ्री ए आई अंदर ला जाओ आई ना मल्टीप्लाई करोगे आई रहेगा भावें आई ए ना मल्टीप्लाई करो वो ए ही रहेगा क्लीयर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पैन लगा सो आई ए स्केयर नूं लिख लिया ए क्योंकि ए स्केयर इक्वल टू ए गिवन सी इंटू ए अगेन ए स्केयर बन गया ए देखो थ्री ए अंदर लग गया आप ए आई इंटू ए स्केयर बन गया ए स्केयर नूं की पुट कर दिता ए ए प्लस ए की बन गया टू ए थ्री इंटू टू सिक्स ए सिक्स ए प्लस ए सैवन ए प्लस आई सो इदा सॉल्व करते जाना इदा तुहाडे कोल की हो जाएगा आंसर आ जाएगा सो दिस इज़ अवर आंसर सैवन ए प्लस आई क्लीयर सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आ कई बार शॉर्ट के कंडीशन दे के आंसर पुट कर लेगा ठीक है नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं फॉर एनी टू क्रॉस टू मैट्रिक्स इफ ए इंटू एडजॉइंट ए दिता हुआ तुहानू टेन जीरो जीरो टेन दैन डिटरमीनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू की होएगा देखो इधर सामू देखो कि असं कर सकते हैं पहले इतों देखो उन्हें पूछा ए इंटू एडजॉइंट ए इज़ गिवन ये तुम दिता हुआ गिवन आ मतलब ये इक्वल टू गिवन आ यानी कि इनू मैं इस तरह लिखना तुम्हें पता है ना कि आप सूँ पता ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू की होंगे या डिटरमीनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स जे मैं चो टेन कॉमन कर लवें इतों आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन सकती कि नहीं वन जीरो जीरो वन ये देखो इदा हो सकती कि नहीं इन मैं लिख सकती इनू मैं लिख सकती इदा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो इतने फिर मेरे को की पुट करना पेगा इनू इदा की बनाने लिए की करना पेगा इतने टेन पुट करना पेगा यानी इतों अंडरस्टूड आ कि डिटरमीनेंट ऑफ ए इक्वल टू कि आ गया इतों टेन सो मतलब उन्हें ये चीज़ देती ना देखो दिस इज़ इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर देता इनू मैं किस फॉर्म से लिखना डिटरमीनेंट ऑफ ए इंटू आई एन तो मैं किदा लिख सकती टेन इंटू वन जीरो जीरो वन यही चीज़ बन जाएगी सो इतों साढ़े को जो मैंने कंपेयर कर लिया डिटरमीनेंट ऑफ ए कि आ गया टेन सो इदा के सम आ जाते पेपर ठीक है ये अगे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर वह थ्री आ सच दैट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू टेन आई ठीक है हूँ दे दिता दैन पूछता एडजॉइंट ए का डिटरमीनेंट हूँ तुम्हें एडजॉइंट ए का डिटरमीनेंट पूछन दिया देखो ये तुम दिता हुआ ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमीनेंट ऑफ ए इंटू आई होंगे साढ़े को होंगे असी एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट कर दी टेन आई डिटरमीनेंट ऑफ ए इंटू आई आई ना आई कैंसल डिटरमीनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कि आ गया साढ़े को टेन
ठीक है। बट आपां की फाइंड आउट करना एडजॉइंट ऑफ ए दा डिटरमिनेंट, वो की फॉर्मूला होंदा जा साढ़े को डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन, याद हो फॉर्मूला किया हो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट की होंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, डिटरमिनेंट ऑफ ए कि आ गया साढ़े को टेन, एन कि ऑर्डर कि थ्री, सो पावर थ्री माइनस वन इक्वल टू कि आ गया टू, सो टेन स्केयर इक्वल टू कि आ गया हंड्रड, सो यदा साढ़े को आंसर कि आ जाएगा हंड्रड, सो ऑप्शन फोर इज़ द राइट आंसर, सॉरी एन ए, ठीक है। सो ये तो साढ़े को ऑलरेडी टेन आंसर आ चुके हैं, सो इतने हंड्रड आंसर आ गया, ठीक है। नैक्सट इफ ए इज़ अ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन दैन एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए, यस एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए, भी आप फॉर्मूला देख लें कि साढ़े को डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए, भी फॉर्मूला याद रखना, ये किया भी होया आप, ठीक है। बट ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट भी है तुम्हें किते, जिदा हम प्रॉपर्टीज यूज़ हुई ना ये तुम प्रॉपर्टीज भी यूज़ हो सकता, ठीक है ना, बस सानू तरीका पता होना चाहिए। ये तीन जिहड़े सम सीगे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट सम कह लो तुसी, प्रैक्टिस वाले हैगे ने, इन्हों अपने नोट्स इंक्लूड करो प्रॉपर, यदा ज नोट्स जिहड़े बनाओ इन्हों बार बार प्रैक्टिस करो सम्स नू, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, आप तुहानू ए दिता होया एंड के ए, के ए इज इक्वल टू जीरो थ्री ए टू बी एक ट्वेंटी फोर दिता होया, सो के ए के नाल ए ए दी वैल्यू आ इनू कर दो लिख लोगे, सो के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो सारे इक्वल टू रख लेंगे, देखो इतने सॉल्व भी हैगा तुहाडे को, के ए पहला के नाल ए दी जो वैल्यू दी सी वो रख ली, इक्वल टू मैट्रिक्स दी हुई सी अंदर के नाल मल्टीप्लाई कर दी, सो टू के इक्वल टू थ्री आ गया, थ्री के इक्वल टू टू बी आ गया, माइनस फोर के इक्वल टू ट्वेंटी फोर आ गया, सो उत्थों असीं ए बी के फाइंड आउट कर ले, क्लीयर हैगा, सौखा हैगा क्वेश्चन, कुछ औखा नहीं हैगा। नैक्सट क्वेश्चन देखो क्रैमम रूल ते आ गया, बोलता पिया क्रैमम रूल इज़ एप्लीकेबल ओनली विद थ्री अननोन वन, कदों कदों ये हैगा एप्लीकेबल, जदों ये डेल नॉट इक्वल टू जीरो होवे, इक्वल टू जीरो होवे, सो आपां कीता सी पहले इट प्रोवाइडेड ए सीगा साढ़े को डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, सो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नैक्सट इन होमोजीनियस इक्वेशन रैंक ऑफ ए लैस दैन हैगा नंबर ऑफ अननोन, यस जो नंबर ऑफ अननोन तो घट हों फिर की होंगे साढ़े को ट्राइबल सोल्यूशन एंड इनफानाइट मैनी नॉन ट्राइबल सोल्यूशन होमोजीनियसली, ठीक है। सो यदा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नैक्सट तीन लीनियर नॉन लीनियर इक्वेशन है विद थ्री अननोन है, जो उत्थे डेल इक्वल टू जीरो हैगा तो ए नॉन जीरो है, दैन डेल जीरो आ गया, दैट मीन सिस्टम की है इनकनसिस्टेंट, ये भी आप कर चुके हैं। नैक्सट देख लो 87 ये हैगा कि इफ अ सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन, तीन लीनियर इक्वेशन है ने विद थ्री अननोन, रैंक दोनों के बराबर है तो इक्वल टू वन, देखो रैंक हूँ लैस आया नंबर ऑफ अननोनस तो, थ्री अननोन से ना है बराबर आ रैंक बराबर है बट लैस दैन नंबर ऑफ अननोन, तो वो कंडीशन की होंगी सी, देखो हूँ रिड्यूस हो गया कि रह गया सिंगल हो गया, रिड्यूस टू सिंगल इक्वेशन एज हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, देखो यूनीक सोल्यूशन तो होएगा नहीं क्योंकि इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन नहीं है, रिड्यूस टू टू इक्वेशन थे टू नहीं आया, जो टू रैंक आता रिड्यूस टू टू इक्वेशन, इधर असं सम पिछे भी कर चुके हैं ना, हूँ रिड्यूस टू यानी रैंक बराबर आया मतलब कि इको रो बची होएगी, ठीक है, यानी कि सिंगल इक्वेशन बनी होएगी, सो रिड्यूस टू अ सिंगल इक्वेशन एंड हैज़ इनफानाइट मैनी सोल्यूशन, क्लीयर। नैक्सट चलते हैं, इफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ थ्री अननोन रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन दैन सिस्टम, हूँ रैंक जोड़ा इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन है, यस जो नंबर ऑफ अननोन के बराबर होंगे इन केस ऑफ होमोजीनियस, भी देखना तुम्हें नाल होमोजीनियस कि नॉन होमोजीनियस, तो कि होंगे ये इक्को ट्राइबल सोल्यूशन होंगे रिड्यूस टू 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 कि कह दी सू तो पता ही नहीं, इतने दस्या होया नंबर ऑफ अननोन इतने थ्री दस्यो इक्वल टू थ्री आया, रिड्यूस टू सिंगल इदा भी नहीं गल नो सोल्यूशन भी नहीं, सो यदा की आएगा हैज़ वन ट्राइबल ओनली ट्राइबल सोल्यूशन, क्लीयर। सो नैक्सट बस साढ़े को इन्ने क्वेश्चन से इन्हों चंगी तरह तुम सारे क्वेश्चन देख लेना, एक मैं तुम्हें जो 55th क्वेश्चन से मैं कमेंट बॉक्स आंसर दसना, ठीक है। सो जो वीडियो पसंद आई लाइक एंड कमेंट करके दसना, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।